नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम फिर से बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के एक नए अपडेट के बारे में। यह अपडेट उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जारी किया है जिसका नाम पेमेंट लिस्ट में आ चुका है। आप सभी को पता है कि बिहार पोस्ट मैट्रिक का आवेदन जो है पहले नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से यहाँ पर आवेदन किया जाता था, जिसमें जो है स्टूडेंट को जो भी छात्र छात्रा था उसको जो है यहाँ पर राशि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के तरफ से यहाँ पर जो है मिला करके दे होता था। फिर बाद में जो है बिहार सरकार ने इसको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से हटा करके जो है अपना खुद का यहाँ पर NIC से मिल करके एक नया पोर्टल को लॉन्च किया, जिसका नाम PMS स्कॉलरशिप रखा गया, यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रखा गया। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारे छात्र छात्राओं का पेमेंट लिस्ट जब जारी हो गया, आप सभी को पता है, जिसका भी वेरिफिकेशन पूरी तरह से क्लियर हो गया और पेमेंट लिस्ट में नाम आ चुका है, और अभी भी ऐसे भी बहुत ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिसका पेमेंट लिस्ट में नाम नहीं ऐड हुआ है और उसका जो है यानी कि कहें तो कि पूरी तरह से वेरीफाई हो गया है। और इसी बीच जो है बिहार सरकार की तरफ से एक नया अपडेट यहां पर आया है, जिसमें कि लिखा है कि अनुसूचित जाति की आय जो है यहां पर कंपलसरी जिसका भी है, और जैसे कि आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर जो है जो नोटिफिकेशन को जारी किया है, देखिए इसमें बताया गया है कि 2 नंबर में देखेंगे अनुसूचित जाति के छात्रों का जो है जिनका शैक्षणिक सत्र 2021-22 है तथा आय में जो है यहाँ पर 2,50,000 तक है, यानी कि जो भी अनुसूचित जाति के छात्र हैं और जिसका शैक्षणिक यानी कि जो सेशन 2021-22 के लिए आवेदन किए हैं और उसका इनकम यानी कि जो आय प्रमाण पत्र है उसमें यदि आपका 2.5 लाख तक यहाँ पर जो है इनकम सर्टिफिकेट में है, तो उसका जो है आप सभी को पता है जब हम लोग आवेदन किए थे 2 यहाँ पर शुल्क मांगा गया था, एगो कंपल्सरी शुल्क आपको बैठाने के लिए बोला गया था, एक मेंटेनेंस शुल्क यहाँ पर मांगा गया था। तो यही दोनों शुल्क में से जो है यहाँ पर जिसका भी 2.5 लाख रुपया तक आय यानी कि अपलोड किया जो सेशन 2021-22 के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर बताया कि उन सभी को जो स्कॉलरशिप का राशि मिलेगा यहाँ पर जो राशि दिया जाएगा तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो यहाँ पर 40% ही उसको स्कॉलरशिप का राशि दिया जाएगा, जिसका कि यहाँ पर बताया है कि 2.5 लाख रुपये तक ही उसका इनकम है और कंपल्सरी शुल्क और पेमेंट शुल्क मिलाकर के जिसका यहाँ पर जो देय होता है उसमें से इन सभी को जो है छात्रवृत्ति के तौर पर 40% ही यहाँ पर छात्रवृत्ति मिलेगा। आगे देखिए बताया है कि जिनका आय में यहाँ पर 2.5 लाख से अधिक है तथा 3 लाख के बीच है उनको यहाँ पर 100% यहाँ पर दे होगा यानी कि स्कॉलरशिप, जिसमें कि आपका कंपलसरी शुल्क और मेंटेनेंस अलाउंस शुल्क दोनों को मिलाकर के यहाँ पर 100% का छात्रवृत्ति दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात करें अगर तो यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो रहा है, जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर जिसका 2.5 लाख तक ही था यानी कि कम था तो उसको 100% यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उल्टा थोड़ा लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बताया है कि जिसका के 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख के बीच है यानी कि अधिक जिसका है उसी को 100% का यहाँ पर मिल रहा है छात्रवृत्ति कंपलसरी शुल्क और मेंटेनेंस शुल्क मिलाकर के। तो यहाँ पर जो है आप सभी को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है, तो जो भी अनुसूचित जाति के छात्र छात्राएं हैं और सेशन 2021-22 के लिए आवेदन किए हैं और जिसका 2.5 लाख तक यहाँ पर जो है यानी कि इनकम सर्टिफिकेट है, तो उन सभी को यानी कि कंपलसरी और मेंटेनेंस शुल्क मिलाकर के 40% ही छात्रवृत्ति मिलेगा, और जिसका कि 2.5 लाख तथा जो 3 लाख के बीच इनकम सर्टिफिकेट है यानी अपलोड किए थे उनको 100% का यहाँ पर छात्रवृत्ति दे होगा। तो ये कुछ यहाँ पर अपडेट को निकाला गया था। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें कि आपको यदि ये लिंक नहीं मिलता है कहाँ से ये आया, तो इसके लिए आप आ जाएंगे गूगल क्रोम में। यहाँ पर आने के बाद आप डायरेक्टली चेक कैसे करेंगे, तो इसके लिए लिखना है आपको बिहार हेल्प लिखना है, उसके बाद .in लगाना है, सर्च पर क्लिक करना है। जैसे सर्च पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप नीचे आइएगा और यहाँ पर देखिए आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट को बता दिया गया है, यहीं से आप जो यहाँ पर देख पाएंगे। तो सिंपली आपको इसी बटन पर यहाँ से क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो विज्ञापन आएगा, विज्ञापन पर बंद करे पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद थोड़ा सा और नीचे आना है, जैसे कि यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार का लिंक देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो है देखिए देखने को मिलता है आपको पेमेंट लिस्ट, तो सिंपली आपको जो है इसमें क्लिक करना है पेमेंट क्लिक हेयर वाले बटन पर। तो यहाँ से जैसे आप क्लिक कीजिएगा क्लिक हेयर वाले बटन पर तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेमेंट देखने के लिए लिस्ट यहाँ पर आ जाता है। सबसे पहले एकेडमिक ईयर डाल दीजिएगा, 3 सेशन के लिए जो आवेदन किए तो अलग अलग करके यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट क्या यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट से आप रहने वाले, कहाँ से आवेदन किए उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरीज में आना है, SC स्टूडेंट है या ST है या BC जो भी स्टूडेंट है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इंस्टीट्यूट का नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा। खुद का देखना चाहते तो आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है। सर्च पर क्लिक करके आप अपना यहाँ पर स्टेटस को चेक कर पाएंगे। तो ये कुछ अपडेट था
आप लोगों के लिए। तो हमने सोचा कि जो भी यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति के छात्र हैं और उसको जो है सूचित कर देना चाहिए कि आपसे भी कोई इस प्रकार से स्कॉलरशिप का अमाउंट दे होगा। और आई होप कि आज के वीडियो में जो भी हमने बताया आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ होगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। अपने दोस्त राहुल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल रॉक स्टार एजुकेशन।